यस टोटल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिन नलायकों ने, मैंने क्वेश्चन को फुल स्क्रीन करके दिया था, जिन नलायकों ने नहीं पढ़ा है प्लीज 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 इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। टोटल कंप्यूटेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके अंदर के एडिशनल पॉइंट समझना। टोटल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करने जाओगे तो नहीं होगा, जैसे ये सारा पढ़ लिया, फिर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, हो गया, चालू कर दिया, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी या पीजीबीपी इनकम निकालना, ऐसे नहीं होता है। आप पहले अप्रोच समझिए, पहले आपको कम से कम 5 से 7 मिनट क्वेश्चन को देने तमीज से, ठीक है, जो कि मैं अब दे रहा हूं। उसके बाद अपन सॉल्विंग की बात आगे करेंगे, अभी सॉल्विंग की बात ही नहीं हो रही है, अभी बात काई की हो रही है बेटा, अभी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने की। और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना तो आधा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर लूंगा। क्या बोल रहा है, ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, मतलब टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी नहीं निकालनी है, सिर्फ ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, वो भी किसकी, मीनाक्षी लिमिटेड की, अंडर हेड पीजीबीपी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अपना असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 23-24। पहली बात तो ये समझ में आई है भैया, यहाँ पे मीनाक्षी लिमिटेड लिखा है, मतलब एक कंपनी है जिसका हमको टोटल इनकम निकालना है, ग्रॉस टोटल इनकम। तो क्या कंपनी के ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर कुछ फर्क पड़ता है, क्या हेड्स अलग अलग होते हैं? नहीं भाई, वैसे ही 5 हेड्स रहेंगे, हर एक पर्सन की जब भी आप टोटल इनकम निकालोगे सेम 5 हेड्स रहेंगे। बस ध्यान रखना कि कंपनी को कुछ डिडक्शंस मिलते हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का जो डिडक्शन है पीजीबीपी में, वो हमने देखा था कि सिर्फ कंपनी को मिलता है। मैंने कैसे याद करवाया था आपको कि कंपनी है तभी तो फैमिली प्लानिंग करोगे, नहीं तो कैसे करोगे, तो उस टाइप की। तो ऐसे कोई डिडक्शन जो सिर्फ कंपनी को मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते हैं, तो भैया उस पे अपने को खास ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सारा कंप्यूटेशन नॉर्मल जैसे अपन करते हैं इंडिविजुअल के केस में वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलो तो भैया क्या बोलता है, पहले टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बोला, जैसे ही बोला ना देखा ना वैसे ही पेपर के अंदर लिख लेना, ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन का लफड़ा हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड रहा तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड रहा तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता है। अब यहां पे तो नहीं दिया होगा, एडिशनल पॉइंट में दिया होगा, चेक करेंगे। रॉ मटेरियल परचेस करा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बराबर। कन्वर्जन कॉस्ट, अभी क्या है कन्वर्जन कॉस्ट पता नहीं है, हो सकता है आगे दिया होगा, नहीं तो ये मानेंगे कि भैया बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, चलो खत्म करो। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब टैक्स है, कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट की डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता इनकम टैक्स का, बट कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसका डिडक्शन मिलता है। प्लस टैक्सेस जब अपन पे करते हैं ना तो उसका डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे ही मिलता है, ये सेक्शन 43B कहता है। तो भैया ये अगर इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जो कस्टम ड्यूटी 170,000 की है, ये अगर पे करी है ड्यू डेट का, जो रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट है उसके पहले पे करी है तो कोई लफड़ा नहीं है, नहीं तो भैया चेक करना पड़ेगा कि दिक्कत क्या है। सैलरी एंड वेजेस नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, अनलेस एंड अनटिल आगे कोई लफड़ा दिया हुआ है। बोनस टू एम्प्लॉइज, बोनस टू एम्प्लॉइज में मेरे को याद है सेक्शन 36 बोलता था कि बोनस और कमीशन पेड टू एम्प्लॉय डिडक्शन मिलेगा अगर नॉट पेबल एज डिविडेंड, मतलब डिविडेंड की जगह पे बोनस कमीशन दिया तो नहीं जमेगा। अगर नॉर्मल बोनस है तो भैया एम्प्लॉय को दिया तो डिडक्शन मिल जाएगा, बट 43B कहता था पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगा, मतलब आपने अगर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के पहले बोनस दिया है तो ही डिडक्शन मिलेगा। कैरियज इनवर्ड, कैरियज मतलब कुछ लाना, कुछ खरीदा होगा उसके लिए 20,000 रुपये लगे, ठीक है, नॉर्मल है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा 30,000 है, नॉर्मल है, अभी तक तो नॉर्मल ही है। इंटरेस्ट पे कराए 2,000 का लोन लिया होगा, अब देखेंगे कुछ ना कुछ तो बताएंगा इंटरेस्ट के बारे में। कैरियज इनवर्ड नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। कैरियज आउटवर्ड कहीं भेजने के लिए सामान खर्चा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन दिया है, पीएनएल में जो डेप्रिसिएशन देते हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से होता है, और इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट का डेप्रिसिएशन नहीं चलता, तो अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और बाद में इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, अबे इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं है यहाँ, तुम प्रोविजन बना रहे हो, वैसे भी किसी भी प्रोविजन का डिडक्शन नहीं मिलता, ये भैया डिसअलाउड है, मतलब ये माइनस नहीं करना चाहिए था, माइनस कर दिया, क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। कंपेंसेशन पेड टू डायरेक्टर, कंपनी ने अपने डायरेक्टर को कंपेंसेशन पे करा, क्या हो सकता है, कुछ डायरेक्टर का नुकसान हुआ होगा इसलिए कंपनी ने पे करा, डिडक्शन मिल जाएगा। या कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि डायरेक्टर क्योंकि कंपनी का रिलेटेड पार्टी है, अब रिलेटेड पार्टी के केस में सेक्शन 48(2) लगता है,
अब ये सारा सोचना है अपने को, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ये सारा का सारा अपने को सोचना है। 48U लगता। अब 48U के केस में बोलते हैं एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव और रिलेटेड पार्टी शैल बी डिसअलाउड। अब यहां पे सीन क्या हो सकता है, अपनी जो कंपनी है ये जो डायरेक्टर को पे कर रही है ₹1,00,000 का कंपेंसेशन, अब हो सकता है कि अगर डायरेक्टर की जगह किसी और को पे करती तो 60,000 पे करती, हो सकता है, बोल रहा हूं आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, अपन समझ रहे हैं। मतलब नॉर्मल आदमी को दिया तो 60 देती थी, डायरेक्टर को दिया तो 1,00,000 दे रही है, मतलब ज्यादा एक्सेस पेमेंट टू डायरेक्टर हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो 40,000 डिसअलाउड हो सकता है, हो सकता है। बट 48U सिर्फ बिजनेस एक्सपेंस के लिए लगता है। अब डायरेक्टर को अदर देन बिजनेस किसी चीज के लिए डिडक्शन दिया है तो फिर बात पता नहीं है। अभी ये सारी बातें अपन क्या कर रहे हैं, अपन बस अंदाजा लगा रहे हैं, अपन बस सोच रहे हैं, ताकि आगे चल के जब आप एग्जाम तक जाओ तो भैया आपके दिमाग के अंदर पूरा का पूरा फिट रहे कि कैसा हुआ तो क्या होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट भाग जाए यहां से, नहीं मिलता, डिसअलाउड है, एड बैक कर लो। प्रोविजन फॉर बैड डेट का डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनीज को मिलता है, ऑडिट फीस कोई लफड़ा नहीं है। बैड डेट का डिडक्शन मिलता है क्या? हाँ, बैड डेट अगर आप राइट ऑफ कर दे रहे हो तो डिडक्शन मिल जाता है, तो ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 25,000, मतलब किसका है ट्रैवलिंग, कुछ तो लफड़ा है, देख लो। म्युनिसिपल टैक्स पेड 5,000, अबे म्युनिसिपल टैक्स बिजनेस में कभी आता नहीं है सर, हो सकता है ना इन्होंने कंपनी ने घर लिया होगा, कंपनी घर क्यों लेंगी, कंपनी रहती है क्या, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। अरे सर हो सकता है कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के लिए घर लिया, अब लेके रख दिया है तो रेंट पे दे दिया, तो फिर रेंटल इनकम होनी चाहिए, ये हाउस प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है। मैं लिख के रख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट एज पर PNL 4,46,000, ये क्या रहेगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा PGBP की इनकम निकालने के लिए, ये 2361 का कुछ नहीं करना है अपने को। आ जाओ ये कौन सा साइड है, ये है डेबिट साइड, डेबिट साइड में सारे खर्चे लिखते हैं, और ये है क्रेडिट साइड, इसमें सारी इनकम्स लिखते हैं। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सेल वाला डाल दिया 70,80,000, ठीक है 17,80,000। क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन देखो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन से भी प्रॉफिट पे इंपैक्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिला है 10,000 का, भैया ये PGBP में नहीं, ये IFOS में जाना चाहिए, ये PGBP में नहीं, ये कहा जाना चाहिए IFOS में, आपने PGBP में लिख दिए तो PGBP में से लेस होगा और IFOS में ऐड होगा। अपन बात करते हैं इस पे, आप चिंता मत करो, अपन बस एक बार लिख के रख देते। बैड डेट रिकवर्ड हाँ PGBP में ही टैक्सेबल है, सेक्शन 41 बोलता है कि अगर बैड डेट कोई रिकवर हुई तो आपको टैक्सेबल रहेगा, डीम्ड इनकम है। बट आपको याद होगा तो मैंने जब सेक्शन 41 पढ़ाया था तो वहां पे बहुत ध्यान से बताया था कि सिर्फ उसी बैड डेट को टैक्सेबल करना जिसका पहले डिडक्शन मिला है। अगर जब बैड डेट हुई थी उसका डिडक्शन नहीं मिला था, तो जिसका डिडक्शन नहीं मिला था मतलब ऑलरेडी वो टैक्सेबल हो चुकी है उस साल, फिर आगे जब रिकवर होंगी तो आप कैसे टैक्स मांगोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बैड डेट है 30,000 की, अगर इस बार ये अलाउ हो गई है तो आगे अगर इसका कुछ भी पैसा रिकवर हुआ तो वो टैक्सेबल होगा। अगर इस साल ये बैड डेट को डिस अलाउ कर दिया असेसिंग ऑफिसर ने किसी भी रीजन से, मतलब क्या है, ये एड बैक करना पड़ेगा अगर डिस अलाउ कर दिया तो, और अगर मैं इसको एड बैक कर दूंगा मतलब क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट कम नहीं हुआ, मेरे को उस पर टैक्स लग चुका है, तो जब वो रिकवर होगा तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रीवियसली अलाउड, मतलब पहले इसका डिडक्शन अलाउ हो चुका था, मतलब अब ये टैक्सेबल रहेगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, बहुत बढ़िया चीज है, इनकम टैक्स पेड डिडक्शन नहीं मिलता, इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं रहता, क्योंकि जब इनकम टैक्स पे करा है तब आपने हमको डिडक्शन दिया क्या, नहीं, तो जब रिकवर हो रहा तो आप सॉरी रिफंड आ रहा तो आप इनकम कैसे मान रहे, मैंने बताया था। बट ये जो सामने लिखा है ना इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, मैंने आपको IFOS में स्पेसिफिकली लिख के दिया था कि इनकम टैक्स पेड नॉट डिडक्टेबल, इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्सेबल, बट इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड इज टैक्सेबल अंडर हेड IFOS, IFOS में टैक्सेबल रहेगा। तो भैया आपने तो यहाँ पे PGBP के प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट कर दिया इसको, ये काय का मैटर है IFOS का, ये इनकम IFOS में टैक्सेबल होनी चाहिए थी,
आपने इसको पीजीबीपी में ले लिया, क्यों? क्योंकि अपन स्टार्ट यहां से करने वाले हैं ना बेटा, 446 से। ठीक है सर, तो ये आईएफओएस में जाएंगी। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कहा जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में। अब एक चीज देखो, मैंने आपके लिए लिख के रखा है, यहां तो अपन ने पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का बात करा, एडिशनल पॉइंट्स पढ़ना है, पर उसके पहले एक कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। हाँ देखो क्या है, एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस रहते हैं उनको आप डेबिट करते हो। डेबिट करने का मतलब है उसको आपने लेस करा अपने प्रॉफिट में से। अब अगर ये जो डेबिट है ये अगर सही तरीके से करा है, मतलब ऐसे खर्चे जो एक्चुअल में डिडक्टिबल है, मतलब उनको लेस करना चाहिए था और आपने उनको लेस करा, अब क्या करूंगे? अरे भाई कोई खर्चा है जो पीजीबीपी का है, जिसका डिडक्शन मिलना चाहिए था, आपने उसको माइनस कर दिया, डेबिट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है। बट हाँ, अगर ऐसा कोई खर्चा है जिसका डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए था बट फिर भी आपने डेबिट कर दिया, मतलब आपने लेस किया, क्या ये लेस होना चाहिए था? देवसेना बताओ, क्या ये लेस होना चाहिए था? देवसेना बोली नहीं प्रभु, पर तुमने लेस किया है, गलत किया देवसेना, गलत किया, लेस नहीं करना चाहिए था पर लेस किया, अब क्या करोगे? एड बैक कर दो। ठीक है, सिमिलरली इनकम की जब बात आती है तो इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट करना मतलब इफेक्टिवली प्रॉफिट में ऐड करना। अब कोई इनकम है जैसे बैड डेट की रिकवरी, इस क्वेश्चन में ये 25,000 आपने क्रेडिट करा है, हां जी किया है, करना चाहिए था क्या? क्रेडिट कर दिया ना, मतलब आपने क्या करा, प्रॉफिट निकालते वक्त इसको ऐड कर दिया। क्या ये इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल है? हां जी बिल्कुल पीजीबीपी में टैक्सेबल है, मतलब ऐड करना चाहिए था, आपने ऐड कर दिया। अब उल्टा क्या करूंगे? कुछ भी नहीं करूंगे, रहन दोगे बड़ा, रहन दोगे वहीं पे बड़ा। सिमिलरली अगर कोई इनकम है जिसको आपने क्रेडिट कर दिया है, मतलब ऐड किया है प्रॉफिट में, बट गलत कर दिया, गलत कर दिया देवसेना, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ओ हमको ऐड नहीं करना चाहिए था, ऐड कर दिया, अब उसको ठीक करने के लिए क्या करें? लेस कर दो, लेस कर दो देवसेना। तो ये देखो, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये आपने क्रेडिट किया है, मतलब ऐड किया है, क्या ऐड करना चाहिए था? नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको? इसको करेंगे लेस, कहां से? पीजीबीपी में से, और कहां डालेंगे? आईएफओएस में। सिमिलरली ये 6,000, ये क्या हमको लेस करने चाहिए थे, ऐड करने चाहिए थे? नहीं, पर किए है, गलत किया देवसेना, लेस करो। हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए था ये 40,000, तुमने पीजीबीपी में डाल दिया, क्रेडिट कर दिया, भैया इसको भी लेस करो। अब ये तो मोटा मोटी ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। अब आते हैं एडिशनल पॉइंट्स पे, इसमें होती है जान, इस एडिशनल पॉइंट्स के अंदर होती है जान। अब पहला पॉइंट पढ़ो सबसे पहले, मेरे मुन्ना वीडियो को पॉज करके सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ो, तब तक मैं ये ऑटो फोकस को गायब करवाता हूं। देखो अभी ये जो टोटल कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपका कायदे से पूरा दिमाग ही खोल देते भाई, ये आपका पूरा दिमाग ही खोल देते हैं। अब देखो क्या बोलता है, मीनाक्षी होल्डर ऑफ 21% शेयर, मीनाक्षी लिमिटेड नहीं लिखा है, मीनाक्षी लिखा है, मतलब एक मीनाक्षी है जिसने अपनी कंपनी बनाई है मीनाक्षी लिमिटेड, और इस मीनाक्षी के पास कितना शेयर है? 21%। अब किसी भी इंसान का कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर है तो वो कौन सा होता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर, मतलब मीनाक्षी का मीनाक्षी लिमिटेड में क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब मीनाक्षी कंपनी की कौन हो गई? रिलेटेड पार्टी हो गई। ठीक है ओके, आगे क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू कंपनी फॉर 40,000, मीनाक्षी ने कंपनी को गुड्स बेचे, कंपनी का नाम क्या है? मीनाक्षी लिमिटेड। अरे इंडिविजुअल और कंपनी अलग अलग पर्सन है, लॉ में पढ़ा होगा बचपन में। कितने के गुड्स बेचे इसने? इसको 40,000 के।
उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 10,000 कम थी, मतलब 30,000 मार्केट वैल्यू थी। अब कंपनी के एंगल से देखो, मीनाक्षी का कुछ नहीं करना है, वो इंडिविजुअल है, उसको छोड़ दो। कंपनी ने 40,000 रुपए में गुड्स खरीदे जो कि 30,000 के थे, मतलब कंपनी ने 10,000 एक्स्ट्रा पे करा। किसको? ऐसे इंसान को जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। कौन सा सेक्शन जिंदा होगा यहाँ पे बताओ? 48(2) जिंदा होगा, एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव डिस अलाउड अंडर सेक्शन 48(2). 10,000 रुपए डिसअलाउ हो जाएंगे। अगला, पेमेंट टू हर वॉज मेड बाय बेरर चेक। ले भैया और तकलीफ, ये 40,000 रुपए एक्स्ट्रा में खरीद, एक्सेस में खरीदा। अब जो इसको पेमेंट दिया ना 40,000 का, वो 40,000 का पेमेंट उसको दिया है बेरर चेक से, मतलब अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड। सेक्शन 40(a)(3) जिंदा होगा और 40(a)(3) बोलेगा 30,000 डिसअलाउड। क्यों सर? मैंने बताया था पीजीबीपी के अंदर एक क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट बुक के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चन इसी टाइप का। भाई 10,000 तो डिसअलाउड हो गया 40(a)(2) में। देखो विच एवर कम्स फर्स्ट, जो पहले डिसअलाउंस आएगा, जो सेक्शन पहले आएगा वो पहले लगेगा। 40(a)(2) में एक्सेस पेमेंट टू रिलेटिव 10,000 डिसअलाउड हो गया, 40,000 का टोटल पेमेंट था कैश में करेगा, जिसमें से 10,000 तो पहले ही डिसअलाउ हो गया। अब वापस से 40,000 पूरा डिसअलाउ करेंगे, मतलब जो 40,000 का उसने पेमेंट कराया उसको 50,000 डिसअलाउ हो जाएगा ना भाई। तो 40 में से 10,000 डिसअलाउड होंगे 40(a)(2) में और बचे हुए 30,000 डिसअलाउ होंगे 40(a)(3) में। कैश में पेमेंट कितना करा है? 40। बट ये 40 में से, ये 40 में से 10 ऑलरेडी डिसअलाउड है, तो अभी बात सिर्फ 30 की बची है। सर ये क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मारेंगे, ठीक है, ओके। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रिलेट्स टू परचेस ऑफ मशीनरी फॉर एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट खर्चा, ये बोल रहा है कि भैया मशीनरी खरीदी थी हमने, ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था, हमने एडवर्टीजमेंट करने के लिए मशीन खरीदी थी, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो आपने भैया कैसे प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करा? इसको एड बैक कर दो, और एड बैक करके क्या करेंगे? इसको डालेंगे मशीन के ब्लॉक में जिस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, और यहाँ पे बोल दिया कि डेप्रिसिएशन इस पे 2250 का है भैया, ठीक है, खत्म, दिमाग को तान खत्म, ये अमाउंट डेप्रिसिएशन में जाएगा और 30,000 एड बैक हो जाएगा। रितु होल्डर ऑफ 21% शेयर, मतलब ये अपनी कंपनी है, एक है रितु जिसके पास कंपनी के 21% शेयर होल्डर है, मतलब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखती है, मतलब ये रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, ओके। परचेज गुड्स फ्रॉम द कंपनी फॉर 30,000, मतलब हमने कंपनी ने 30,000 के गुड्स बेचे रितु को, और मार्केट वैल्यू कितनी थी? 35,000, मतलब 5,000 कंपनी ने सस्ता बेचा, महंगे में बेचा तो दिक्कत है, सस्ते में बेचा। तो कंपनी क्या है, ऐसा लिखा है क्या कहीं कि आपने सस्ता बेचा तो भी आपके हाथ में टैक्सेबल है? नहीं, आपने ज्यादा ज्यादा खर्चा करा, अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर इज डिसअलाउड। अब कंपनी कुछ भी नहीं कर रही, 35,000 का सामान था, कंपनी ने 30 में बेचा। यहां पे दिक्कत होंगी रितु को, जब रितु करेंगी ना तो रितु को दिक्कत होंगी, नहीं उसने भी कम दिया ना, 35 की चीज 30 में दिया, ठीक है। शी मेड पेमेंट बाय वे ऑफ बेरर चेक, सर डिसअलाउड हो जाएगा। क्यों? बोले 10,000 के ऊपर बेरर चेक है। अबे झेंडू बाम है क्या बे? कंपनी को पैसा आया है, रितु ने पैसा दिया, रितु के हाथ में डिसअलाउ होगा, कंपनी के हाथ में नहीं होगा। रितु ने पेमेंट कराना कंपनी को, कंपनी के लिए खर्चा थोड़ी है, वो तो इनकम है ना, कंपनी दिखा रही है टैक्सेबल, करो भैया कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो प्रॉब्लम, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ओके भाई, ठीक है। ये रितु का सस्ता वस्ता बना लेना आप। आगे पूर्वेश पूरव, अ सप्लायर हु मेड 25% ऑफ गुड्स, ओ सॉरी, पूरव हु सप्लाइज मोर देन 25% ऑफ गुड्स, मतलब कंपनी को पूरव नाम का बंदा 25% से ज्यादा के गुड्स सप्लाई करता है। रिलेटेड पर्सन में कहीं लिखा था क्या कि सप्लायर ऑफ गुड जिस जो 20% से ज्यादा सप्लाई करता है वो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहेगा? नहीं, रिलेटेड पार्टी रहेगा? नहीं, उसमें लिखा है कि जिसके पास आपके 20% और मोर शेयर्स है, शेयर होल्डिंग है या प्रॉफिट शेयरिंग है,
वो आपका रिलेटेड पार्टी रहेगा, उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर बोलते हैं। सप्लायर के केस में नहीं, कोई एक सप्लायर होगा जिससे कंपनी 100% माल लेती है, पूरा रॉ मटेरियल अपन एक ही आदमी से लेते हैं, तो क्या अपना रिलेटेड पार्टी हो गया क्या? नहीं हुआ। सोल्ड गुड्स टू कंपनी फॉर 10,000, मार्केट प्राइस 60,000, महंगे में लिया कंपनी ने, पहले ही सी कटा उनका, ऊपर से क्या डिसअलाउंस दोगे? नहीं नहीं, महंगे में लिया। सर ऐसा भी बोल सकते हैं 8,000 रुपए की चीज 10,000 में लिया? अरे भैया सप्लायर नहीं दे रहा था, वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थोड़ी है उसका मेरे इसमें, वो अड़ गया था नहीं देता वो बोल के। अभी कभी मैं तुमको बोलू नहीं दे रहा हूँ लेक्चर 8,000 में, 15 में दूंगा, तुमको ऐसा है मेरे से ही लेना है। डीटी पढ़े? बोले सर आईडीटी तुमसे ही पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट है ये, ठीक है फिर क्या करोगे तुम, लेना ही पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पे है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 बॉस पेड ऑन 30/12/2024, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है 23/24, मतलब 31 मार्च 2024 प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है, प्लस ड्यू डेट ROI 139.1 की ड्यू डेट कितनी है, अनलेस अनटिल ऑडिट का कुछ समझ में आता है अपन बोलेंगे कि ड्यू डेट कितनी है 31 जुलाई 2024, उसके पहले पेमेंट जाना चाहिए। कहाँ पे? जो चीजों पे 43B लग रहा है, सैलरी पे 43B लगता है क्या? क्या सैलरी पे 43B लगता है? नहीं लगता है, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ना 20,000 की, कभी भी पे कर भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे को तो अभी ऐसे ही लग रहा है, अनलेस अनटिल आगे कुछ और रहेगा, तो भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोनस इज नॉट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, अच्छा ये बोनस डिसअलाउड, एड बैक कर दो भैया इसको, बोनस को एड बैक कर दो, ये 80,000 की सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं लिखा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये क्वेश्चन पॉइंट पढ़ो, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज इन एक्सेस ऑफ ₹1,000, मतलब कहना क्या चाह रहे, ये सिर्फ आपको सी कटा रहे हैं आपका, ये बनाने के लिए पॉइंट डाला है। अब किसी क्या लगेगा, अच्छा ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है ना 10,000 की, इसमें 1,000 ज्यादा का है, तो 1,000 एड बैक करो। अबे बावला है क्या, पूरे 10,000 एड बैक होते, पूरे 10,000 एड बैक होंगे, ये पॉइंट क्या है सी बनाने का। सैलरी पेड इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब जरूरत से ज्यादा सैलरी पे किया किसको, नॉन रिलेटिव को 2,000, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन रिलेटेड पार्टी को कितना भी पे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बट डायरेक्टर ऑफ रिलेटिव 6,000 ज्यादा पे करा, क्या हो जाएगा ये डिसअलाउड, डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब अपने को एड बैक करना पड़ेगा। ये सैलरी जो है ना 80,000 की, उसमें से 6,000 सिर्फ एड बैक करना पड़ेगा, बाकी 74,000 चलता। सर 2,000 नॉन रिलेटिव को दिया ना महंगे में, ज्यादा दिया सैलरी, अरे क्या फर्क पड़ रहा है तुमको, दे दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है, 48.2 रिलेटेड पार्टी के लिए ही खर्चा है, ठीक है ना, ओके। आए ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज ऑन ट्रैवलिंग ऑफ मीनाक्षी, किधर गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यहाँ पे मैंने बोला ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हमेशा है ना कचकट रहता, अन किचकट क्या रहता, जो तुमको मैंने पीजीबी में पढ़ाया था कि हम गोवा गए काम से, कंपनी के मंडे टू गुरुवार तक काम करा, मंडे नहीं कहा बताया था मैंने तुमको, कहीं तो बताया था, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे 4 दिन काम करा, अब बोला सैटरडे है फ्राइडे है, बोला फ्राइडे जाना सैटरडे संडे छुट्टी है, वो भी फ्राइडे पहुंचेंगे दोपहर में, कंपनी को बोल दिया सर एक काम करते हैं हम यही रुकते मजे करो, 3 दिन का टूर, पैसा तो पूरा कंपनी भरेंगी, पर हाँ वो पर क्यूजिट्स में पढ़ाया था, बिजनेस का थोड़ी है वो खर्चा भाई, बिजनेस का खर्चा नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना था 25,000 रुपये, ओके 10 दिन का 25,000 रुपये 10 दिन का, भैया कैलकुलेटर ले लो अपने अस्त्र शस्त्र रेडी करो, 25,000 / 10 दिन 1 दिन का 2,500, आउट ऑफ विच 8 डेज आर यूज फॉर एक्वायरिंग अ न्यू मशीन फ्रॉम जयपुर फॉर कंपनी, अच्छा इंटू 8 दिन 20,000 रुपये कंपनी का खर्चा है, अरे नहीं नहीं 20,000 रुपये बिजनेस खर्चा है बरोबर है, पर ये मशीन खरीदने के लिए है, मशीन खरीदने के लिए, और एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल द एसेट इज फिट टू यूज शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, ये 20,000 मशीन में एड होना चाहिए, एड टू कॉस्ट, मशीन की कॉस्ट में एड होना चाहिए, इस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा PNL में नहीं जाएगा, ठीक है। एंड बचा हुआ क्या बोल रहा है, 2 days फॉर मीटिंग हर रिलेटिव्स, 2 दिन मतलब बचा हुआ 5,000 रुपये उसके रिश्तेदार के लिए, ठीक है, और उसने बोला मैं वापस कर दूंगी, ठीक है भाई कर देना वापस, हमको नहीं बोल रहे,
आगे वाले क्वेश्चन में देखो, 31 जुलाई 2023 मतलब प्रीवियस ईयर 22, 23, 24 के जुलाई महीने में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने सर, 180 डेज से ज्यादा ही है। कंपनी ने मशीन लिया 5 लाख की, ये 5 लाख की जो मशीन है ना, इसमें ये 20,000 ऐड होने वाले, 5,20,000 हो जाएंगे, ठीक है। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन 30 नवंबर 2024, भाग यहाँ से, 30 नवंबर को पे करा, अबे ड्यू डेट तेरी 31 जुलाई थी, ऑडिट भी होता होगा तो 31 अक्टूबर है, तूने पे करा, डिसअलाउड, ठीक है ना भाई, चल भाग यहाँ से। ये कस्टम किधर है, 170, इसको ऐड करो भाई, 43B ड्यू डेट के पहले नहीं भरा सर, इतना सोचना पड़ता क्या, फिर मजा के क्या, 16 मार्क का क्वेश्चन है। हाउएवर कंपनी पेड 5,000 ऑन 30/7/2023, ओए आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी ऑफ अर्लियर ईयर, भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके दो अजम्पशन निकलते, हाँ जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके दो अजम्पशन निकलते, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने कहा देखा था, आई गेस मेरे को जहां तक याद है जब सीएस एग्जीक्यूटिव में, सीएस प्रोफेशनल में टैक्स हुआ करता था, अभी तो खैर सीएस प्रोफेशनल में टैक्स नहीं रहता, मतलब सीएस फाइनल के अंदर, बट सीएस प्रोफेशनल में जब टैक्स हुआ करता था तब मैंने शायद ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, और उनने बहुत शानदार तरीके से दो अजम्पशंस दिए थे। अब अपन देखते हैं अपने आंसर में है क्या, और मेरी जैसी फितरत है, मैं इतना आलसी आदमी मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। देखो कब भेजा कंपनी ने, 30/7/2023 के लिए, ठीक है, ये अर्लियर ईयर, मतलब मान लो अपना प्रीवियस ईयर है 23, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है 23-24, इसका पहला प्रीवियस ईयर हो सकता है 22-23। अब 22-23 की ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई 2023, और अपन ने भर दिया है, कंपनी ने भरा है 30 जुलाई 2023 को 5,000 रुपए। अब जब 22-23 में हुआ होगा ये खर्चा, तो 43 भी तब भी लगाऊंगा, और 22-23 में क्या बोलाऊंगा कि अगर ड्यू डेट के पहले आप भर देते हो ये 5,000 रुपए, तो आपको यही पे इसी साल में डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, और अगर 22-23 में डिडक्शन अलाउ हो गया तो फिर प्रीवियस ईयर 23-24 में नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर ये खर्चा 21-22 और उसके पहले के सालों का रहा, अर्लियर ईयर्स का रहा, तो इन दैट केस इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर 23-24, क्योंकि उस साल तो नहीं भरा ना, और टैक्स जिस साल भरोगे तब डिडक्शन ले लेना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना वो तो देखते हैं, पहले ये समझ में आ गया, इसको पॉज करके लिख लो भाई जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है, लाइव वाले बच्चे लिख लो, मैं क्या करूं, पानी पी लेता हूं, मैं फोन देख लेता हूं, ना 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 ना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपेयर्ड आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी ऑफ अर्लियर ईयर, अब यहाँ अर्लियर ईयर बोले भाई, अब अगर पिछले साल का रहता तो भैया ये क्या कर सकते थे, यहाँ लिख सकते थे ऑफ प्रीवियस ईयर 21-23, 24 या 22-23 लिख सकते थे, बट अर्लियर ईयर बोला है तो अपन ये अज्यूम करके चलेंगे कि भैया बहुत पुराने साल का है, इस साल पे करा डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 1,00,000 फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग वही कर सकता है जिसकी कंपनी है, अकेला आदमी सिंगल आप जैसा वेल्ला फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकता। अगर कोई शादीशुदा इंसान ये देख रहा है, बहुत सारे बच्चों की शादी हो जाती है, तो भैया मैं आपके लिए नहीं बोल रहा था मैडम, माफ़ करना, मतलब लड़के नालायक होते हैं, लड़के यूजुअली शादी के बाद नहीं पढ़ते, सिर्फ लड़कियों में ये क्या बोलते हैं उसको, लड़कियों में क्या होता है,
जज्बा होता है कि वो शादी के बाद भी पढ़ते हैं। भाई बहुत सारे लोग पढ़े हैं ऐसा, खैर ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ और सिर्फ कंपनी को 1/5 डिडक्शन मिलता। मतलब 1,00,000 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ 20,000 का मिलेगा। तो अगर 1,00,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड होता तो हम क्या करते, 1,00,000 माइनस किया है, माइनस कितना करना चाहिए था 20,000, माइनस किया 1,00,000, माइनस करना चाहिए था 20,000, 80,000 ज्यादा माइनस किया है देव से ना, एड बैक करते 80,000। बट क्योंकि यहाँ पे पूरे इसमें कहीं पे भी 1,00,000 डेबिटेड नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका 20,000 रुपए का लेस करेंगे, वो खर्चा जो अलाउड है बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड नहीं है। कैरियज इनवर्ड शोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग मशीन फ्रॉम जयपुर। हे भगवान, ये कैरियज इनवर्ड मेरे को लग रहा था तू अच्छा है बेटा, ये मशीन का है, तो मशीन का कैरियज इनवर्ड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल द एसेट इज रेडी टू यूज शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। ये 20,000 मशीन में ऐड होना चाहिए था नालायक, तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करा, गलत किया, एड बैक करो। ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अपन ने देखा था ये 5,00,000 की मशीन थी, 20,000 का कॉस्ट में ऐड होगा और 20,000 का और ऐड हो जाएगा, तो मशीन की कॉस्ट हो जाएगी 5,40,000। ठीक है, इंटरेस्ट टेकन इज रिलेटेड टू लोन फॉर परचेसिंग डिबेंचर। हे भगवान, लो ये डिबेंचर्स थे जिस पे इंटरेस्ट आया था 10,000 का, अपन आईएफओ इसमें टैक्सेबल करने वाले थे पीजीबीपी में से लेस करके। ये जो इंटरेस्ट है 2,000 रुपए का, अबे लिखना चाहिए था ना बे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, खैर नहीं लिखा, नीचे लिख दिया। तो भैया ये पीजीबीपी में क्यों माइनस करे, इसको ऐड कर भाई, और माइनस कहां से करना, सेक्शन 56 बोलता है आईएफओएस में भी कि भैया अगर कोई खर्चा आपने करा है तो वो माइनस करना पड़ेगा, आईएफओएस में भी माइनस होगा। तो आईएफओएस की इनकम कितनी हो जाएगी, 10 - 2 8,000 रुपए डिबेंचर्स की इनकम, और 6,000 रुपए हो जाएगी अपनी इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट 14,000, ऐसा कुछ लग रहा है अभी तक। फॉलोइंग एसेट है कंपनी के पास, प्लांट एंड मशीनरी कितनी की है, 6,00,000 रुपए की। ये ओपनिंग WDV 1/4/2023 की बताई हुई है, इसमें ऐड करेंगे परचेस ड्यूरिंग द ईयर, और मशीन परचेस कब करी है, 31/7/2023 को, मतलब मोर देन 180 डेज। कितना, 5,40,000 रुपए, और मशीन का रेट होता है 15%, फर्नीचर का रेट होता है 10%। ठीक है, चलो मैं हाथों हाथ तुम्हारे सामने डेप्रिसिएशन निकाल देता हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम इग्नोर प्रोविजन ऑफ 115JB, मैट को इग्नोर करो बोलते हैं। ठीक है, देखो हाथों हाथ डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूँ मैं। डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, ओपनिंग WDV 6,00,000 प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर 5,40,000, तो ये हो गया 11,40,000 का 15% इनटू 15%, पूरे अमाउंट पे ही 15% आएगा, 1,71,000। ये M+ में डाल दिया, आप M+ में मत डालना, आपको लिखना पड़ेगा इस पे मार्क है। ठीक है, और 1,00,000 का 10% 10,000 ये मिल जाएगा, प्लस एक और डेप्रिसिएशन था वो एडवर्टीजमेंट वाली मशीन पे, किधर है बे तू, ये डेप्रिसिएशन प्लस 2,250, मतलब 183,500 डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स का रहेगा 183,250 रहेगा, ये लेस हो जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट वाला ऐड हो जाएगा, बरोबर है। ठीक है, चलो बिठाते हैं। अब अपने को प्राइमा फेसी क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है आईएफओएस, दूसरा दिखा हाउस प्रॉपर्टी, और तीसरा दिखा पीजीबीपी। कैपिटल गेन की बात नहीं है इस क्वेश्चन में, सैलरी इनकम कभी कंपनी की रहती नहीं है, कंपनी की सैलरी इनकम रहती क्या, डालू क्या नालायक। ठीक है, चलो भाई हम चलते हैं भैया क्वेश्चन बनाने में। सर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इतना सारा, ये कितना आधी घंटा तुमने तो इसमें क्वेश्चन में ही बर्बाद कर दिया। अबे मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, मेरे को बस एक जगह पे लाना है। ठीक है, चलो हाउस प्रॉपर्टी में चलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनाते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं बकाबक, इनकम फ्रॉम, आई हाँ
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो बहुत शानदार है, उतना शानदार आप कर नहीं सकते हो। ये देख लो, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू आती है। अब मैं इसको ऑब्वियसली रफ में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए, पर तुम अच्छे से लिखना तमीज से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, व्हिचएवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर लेट आउट पीरियड माइनस अनरियलाइज रेंट। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ दिया रेंट रिसीव्ड 40,000 रुपए। उसको ये भी मानो, और क्या करते? उसके घर पे जाके मीनाक्षी जाके पूछते हैं तेरी कंपनी ने कितने में रेंट में दिया? नहीं, लेस। म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर आर ओनली डिडक्टेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। पर यहाँ पे ओनर ने पे करा के पता कैसे चलेगा? अरे भैया, कंपनी ओनर है और कंपनी ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रखा है, मतलब वो म्युनिसिपल टैक्स कंपनी ने ही पे करे होंगे ना। तो म्युनिसिपल टैक्स कितने का था भाई? म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपए का। ये 5,000 रुपए का माइनस कर दो, ये आ गई एनएवी। कितना है एनएवी? 35,000। फिर इसमें से 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, 35, 3, 9, 10, 10,500, 24,500 का आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 24,500 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई है। सर 24B का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्या? दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं ना। फिर हाँ, 24,500 हाउस प्रॉपर्टी आई है। IFOS कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 10,000 लेस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू एक्वायर डिबेंचर 2,000, यहाँ बाहर जाएगा 8,000। इनकम टैक्स रिफंड इंटरेस्ट ऑन, लिखना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 6,000, ऐसे हो गया पूरा 14,000। IFOS 14 और 24,500 टैली कर लेते हैं एक बार। 24,500 ठीक है, और 14,000, यस। दो महीने बना लिए, PGBP आप बनाओ। सर नो सर, हम नहीं बना सकते। अरे भाई ठीक है, बनाओ। हाँ ठीक है, मैं बना लेता हूँ। चलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है PGBP में? स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है PGBP में बताओ। अबे किधर गया अबे तू? स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट क्या रहता है PGBP में? नेट प्रॉफिट एज पर PNL, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट है भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? 4,46,000। सर कैसे मंद सर है हमारी, पूरा लिख रहे बैल इधर। यहाँ पे ऐसा स्क्रीन करेंगे, जब 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 पढ़ के बता देंगे। बाकी सारे लोग तो यही करते हैं, डाउन के बच्चे फेल होते फिर बहुत जोर के। और आपको भी वही करना है, लिखना है सर ये अच्छा है ना, दिख रहा तो कितना सुंदर दिख रहा है आपकी बुक को, देखो सही कितना प्यार से दिया है। सारे वर्किंग नोट के नंबर दे रखे आपने, क्या कहा पे? अरे भाई 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 मत कर, ये बुक से देख के जो वाउचिंग करते हैं ना ऐसा। हाँ देखो बच्चे क्या करते हैं, 446 बराबर है, डेप्रिसिएशन ऐड करा 50,000 बराबर है, इनकम टैक्स का 20,000 ऐड करा बराबर है, बैड डेट ऐड करा बराबर है, म्युनिसिपल टैक्स ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि PGBP में नहीं है वो हाउस प्रॉपर्टी में माइनस होना चाहिए था, तो माइनस तो कर दिया हाउस प्रॉपर्टी से यहाँ से 5,000, बट PGBP में उसको ऐड करना पड़ेगा, ये बराबर है। अरे भैया तुम क्या टीचर हो, बैठ के चेक कर रहे हो आंसर मेरा वाला? ये बराबर ही है बेटा, तू लिख और चेक कर कि तेरा भी बराबर आता क्या, ठीक है? नहीं तो अगले अटेम्प्ट में फास्ट ट्रैक लेना पड़ेगा। फिर क्या करे अभी बताओ, और क्या करे? ऐसे ना बोले तो कैसे बोले फिर? 446 ऐड, क्या ऐड करना है? एक्सपेंसेस नॉट अलाउड बट नहीं अंडर हेड PGBP बट डेबिटेड टू PNL अकाउंट। ऐसे खर्चे जिनका डिडक्शन PGBP में नहीं मिलता बट आपने उनको माइनस कर रखा है। पहला डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट था डेप्रिसिएशन का भैया?
अच्छा चलो ऊपर से चालू करते क्या? नहीं नहीं सर, अरे यार ठीक है चलो ऊपर से चालू करते हैं। क्या क्या ऐड बैक? अच्छा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन से बच गए अपन। अभी तक अपन ने क्या क्या कर लिया और किस किस में गड़बड़ नहीं है देख लेते हैं। ये IFOS नहीं नहीं भाई ये हो गया ठीक है। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में कोई लफड़ा नहीं है। कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है ठीक है। कस्टम ड्यूटी 170,000 की, ये ड्यू डेट के बाद में भरी थी तो इसको ऐड करना है बराबर ना। इसको अपन करेंगे ऐड, नहीं ऐड कस्टम ड्यूटी और नीचे नोट में क्या लिखेंगे कि भैया टैक्सेस नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) इज दिस अलाउड अंडर सेक्शन 43B। कितने की कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे? 170,000 की ठीक है। या सेकंड कस्टम ड्यूटी में 5,000 की जो थी पुरानी वाली भरी हुई उसका डिडक्शन मिलेगा बट वो अपन साथ साथ में करते हैं ठीक है ओके। दूसरा सैलरी वेजेस, सैलरी में था 6,000 रुपए अपन ने किसको दिए थे? वो ज्यादा दिए थे रिलेटिव को, वो ऐड करेंगे। सैलरी रिलेटिव, एक से सैलरी पेड टू रिलेटिव 6,000 ठीक है ओके। फिर बोनस 15,000 ऐड बैक कर दो, बोनस 15,000 ठीक है 43B। नोट नहीं लिख रहा हूं मैं। कैरेज इनवर्ड मशीन, मशीन के कॉस्ट में जाना चाहिए था या माइनस नहीं करना चाहिए था। कैरेज इनवर्ड कितना था अमाउंट कैरेज इनवर्ड का? 20,000 जहां तक मेरे को याद है ठीक है। एडवर्टीजमेंट 30,000 भाग यहां से, नहीं करना चाहिए था, वो मशीन खरीदा तूने एडवर्टीजमेंट और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यहां माइनस नहीं करना है। उस पे का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में ऐड करके माइनस करेंगे 6 एडवर्टीजमेंट के बाद में। डेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ थोड़ी आता भाई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये यहाँ पे ऐड होगा ठीक है। और डिबेंचर की इनकम जो IFOS की है 2000 उसमें से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया। कैरियज आउटवर्ड में कोई लफड़ा नहीं है। डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दो, 7th डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट 50,000 का ऐड बैक कर दो। ऐसे एक एक करना है बच्चों तुमको। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड बैक। अच्छा कंपेंसेशन पेड टू डायरेक्टर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, अलाउ कर दो भाई, उसमें थोड़ी है, कुछ लफड़ा ही नहीं बता रखा है। 8th प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना था भाई? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कितना था? 20,000 ये हो जाएगा ऐड बैक। ऑडिट फीस में कोई लफड़ा नहीं है। बैड डेट कोई लफड़ा नहीं है, अलाउड है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 25,000 के नहीं जमेगा। 9th ट्रैवलिंग एक्सपेंस 25,000। सर 25 पूरा क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि देखो 20,000 तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड होगा और दो दिन की जो फीस है, दो दिन के जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 5,000 रुपए के, वो तो उसकी पर्सनल इस पे थे ना, तो भैया वो थोड़ी बिजनेस में से माइनस करेंगे। सर वो देने वाली है ना, पर अरे वो देने वाली है तो क्या हो गया, वो तो रीइंबर्समेंट हो गया ना, वो बिजनेस एक्सपेंस थोड़ी कहलाएगा। पूरा 25 माइनस कैसे करा तुमने? ठीक है म्युनिसिपल टैक्स, सर म्युनिसिपल टैक्स का क्या कर रहे हैं? ये तो हाउस प्रॉपर्टी का है। अबे तो हाउ ना, बराबर है, हाउस प्रॉपर्टी का है, तुमने यहाँ पे पीएनएल में से माइनस तो करा है। 10th इसको भी ऐड करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स 5,000 ठीक है ओके। अब और कुछ चीज है जो ऐड बैक करनी है? ठीक है मेरे को अभी तक तो प्राइमा फीसी नहीं लग रही पीएनएल में, मैं पर जगह छोड़ देता हूँ 3-4 लाइन। अब क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊंगा। लेस इनकम्स नॉट टैक्सेबल अंडर हेड PGBP बट जिनको आपने क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। मैं पीएनएल अकाउंट खत्म कर रहा हूं पूरा। सेल्स कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000 क्या ये पीजीबीपी में आता है? नहीं, आपने ऐड किया, गलत किया देवसेना, लेस कर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000, इसके वर्किंग नोट में क्या जाएगा? टैक्सेबल अंडर रेड
IFOS, दूसरा बैड डेट रिकवर्ड, ये काय में टैक्सेबल है, पीजीयूपी में, मतलब ऐड काय में होना चाहिए था, पीजीयूपी में करा है, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर्ड है बैड डेट में, यहाँ ऐड लिख दिया है भाई गलती से, नहीं वो एक्सप्लेन करते हो लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 6000, ये भी लेस होगा, हाउस प्रॉपर्टी ये भी लेस होगा क्योंकि दूसरे हेड में टैक्सेबल है, दूसरे हेड में टैक्सेबल कर दिया है 6 और 40, इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड 6000 और ये 40000, क्या रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बराबर, ओके। अब ये पूरा ट्रीटमेंट हो गया, अब यहां पे देखो क्या है, मीनाक्षी, मीनाक्षी का क्या ट्रीटमेंट था, मीनाक्षी ने, अच्छा ये डिसअलाउड होगा, 10000 डिसअलाउड था, 48 2 जो 10000 का एक्सेस पेमेंट है, पेमेंट टू मीनाक्षी MKSH, ठीक है 10000 का, और 48 3 में जो बेरर चेक से उसको दिया था 30000, वो भी डिसअलाउड हो जाएगा, उसको भी एड बैक करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर ये डेप्रिसिएशन में जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट अपन ने एडवर्टीजमेंट का कर लिया है, बस 5 मिनट्स, रितु इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कोई दिक्कत नहीं है, बोनस कर दिया है, प्रोविजन कर दिया है, सैलरी का ट्रीटमेंट कर दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का कर दिया है, कस्टम ड्यू, अच्छा मशीन का डेप्रिसिएशन, अरे डेप्रिसिएशन लेस करना है, ठीक है, फिर और क्या होगा, लेस एक्सपेंसेस अलाउड अंडर हेड पीजीबीपी बट नॉट डेबिटेड, उनको माइनस करना पड़ेगा जिनका डिडक्शन मिलता, उसमें पहला क्या था, कहा गए रे भाई अपन, अच्छा इसमें था डेप्रिसिएशन, आईटी एक्ट का डेप्रिसिएशन कितना आया था, 183 250, ये लेस करना है, दूसरा ट्रैवलिंग का हो गया ट्रीटमेंट, परचेस का हो गया ट्रीटमेंट, कस्टम ड्यूटी पेड, कस्टम ड्यूटी पेड अर्लियर ईयर्स की 5000, सर ये तो पीएनएल में होगा ना, अबे नहीं ना बे, पीएनएल में 170000 का है, देखो यहाँ पे देखो कस्टम ड्यूटी ये 170000 की दी है, वो इस साल की है, पुराने साल की नहीं है, ठीक है ना, फिर ये 20000 का डिडक्शन मिलेगा, और फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस 20000, ठीक है बेटा, उसके बाद कैरिज इनवर्ड ऐड कर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है, कैरिज इनवर्ड इंटरेस्ट का कर दिया ट्रीटमेंट, डिबेंचर इसका भी ले लिया है, अब मारता हूँ मैं टोटल 183 250 5000 20000, ये हो गया टोटल 208000 208 250, ये माइनस करना है, ठीक है 10 और 6 16 और 40 56, ये भी माइनस करना है, और ऐड क्या क्या करना है, 170 कस्टम ड्यूटी 6000, रिलेटिव्स की सैलरी 15000, बोनस 20000, कार कैरिज इनवर्ड 30000, एडवर्टीजमेंट 2000, इंटरेस्ट 50000, डेप्रिसिएशन 20000, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 25000 के ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 5000 का म्युनिसिपल टैक्स, 10000 का 482 का जो उसको पेमेंट दिया है, और 30000 का वो 383000 ऐड करना है काई में, 446 में प्लस 446, इसमें से माइनस करना है 56000 और माइनस करना है 208250, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम मेरी जो आई है वो है
5,64,750 रुपए। या अल्लाह प्लीज 564,750, 5,05,250। आई 460, क्या हो गया क्या हो गया? रुक भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? ओहो हो, क्या कुछ भी तो नहीं गया? ये तो PGBP का है। रुको रुको रुको, 446 प्लस 383, ये टोटल बराबर है मेरे को नहीं लगता। 170 प्लस 6,000 प्लस बोनस 15,000 प्लस 20,000 30,000 2,000 डेप्रिसिएशन 50,000 20,000 25,000 5,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 383 बराबर है। ऐड करना करो भाई, 446 प्लस 383 ऐड करेंगे, लेस करना है 56,000, माइनस करना है 2,08,250, 564,750। PGBP की इनकम मेरी आई है 564, एक मिनट, हाँ 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 393, एक मिनट रुक जाओ, एक कुछ मिनट रुक जाओ, एक ही मिनट रुक जाओ। 446 से शुरू करा, 20, 10, 10, 10, 393 है ना, अपना कितना है ऐड करने वाला? 383, 10,000 कैसे कमाया? 50, 50, 20, 20, नहीं, 20, 10, 5, प्रोविजन कहाँ है? अच्छा 10 क्या छोड़ दिया, 10, 10, 10 की एक्सेस पेमेंट, और ये 30,000, 40,000 ये ले लिया, एडवर्टीजमेंट भी कर दिया 5, ये ट्रैवलिंग 25, कस्टम इनवर्ड 20,000 ऐड तो कराए, ये पूरा टोटल कितना है चेक कर लो एक बार, 170 प्लस 6,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, रुको रे भाई, 30,000 प्लस 2,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, 383 आ रहा है मेरा, ऐड करना उनका कितना है 393। चलो एक मिनट रुक जाओ, अपन देखते हैं क्या गड़बड़ है भाई। डिडिंग डिडिंग डिंग 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 डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिडिंग डिडिंग डिंग डिंग इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन 50,000 ऐड बैक करा है हमने भी करा है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 20,000 करा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ गई, अपन ने कहाँ लिख दिए? प्रोविजन फॉर बैड डेट आई थी ना क्वेश्चन में अपने को, बैड डेट ऐड करना था, ओहो, वो 10,000 मिस आउट कर दिए, 13 भाई 13, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000 मिस कर दिए, ये हो गया 393, सही आ गया, टैली हो गया। तो फिर उसके बाद में 393 आ गया, ठीक है, फिर कस्टम ड्यूटी 5,000 ओके है, फैमिली प्लानिंग 20,000 ओके है, डेप्रिसिएशन 291,250, डेप्रिसिएशन 291,250 कैसे आया भाई? डेप्रिसिएशन कितना आएगा, डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 6 और 5, 11,40,000 इंटू 15%, डेप्रिसिएशन आएगा 171 प्लांट एंड मशीनरी का, प्लस फर्नीचर का कितना है, फर्नीचर का कितना है 1,00,000 का 10%, 10,000 प्लस वो कितना था भैया,
वो अमाउंट कितना था? वो अमाउंट था 2250, 2250 प्लस 10,000 प्लस 2250, 183,250 आया है। अब ये इन्होंने डेप्रिसिएशन का नोट कहाँ दिया है? 1140 का 15%, 171 बराबर है। अबे मतलब ये क्या नशा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन लिया है 1,08,000 रुपए का। अब मेरे को एक बात बताओ, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है और एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लिया। ये तो गलत है भाई, ऐसे नहीं कर सकते हो तुम, ये गलत है। फिर अगर ऐसा करके करना है तो मैं नहीं खेल रहा, ठीक है भाई। और ऐसा इंस्टीट्यूट करती है, ठीक है भाई, ऐसा है तो ऐसा है। अपना कितना डिफरेंस आ रहा था? अपना आ रहा था 183,250 और 5,40,000 का 20%, 1,08,000 प्लस 183,250 तो 291,250 ऐसा हो गया, ठीक है भाई। 291,250 प्लस 5,000 प्लस 20,000 ये हो गया 3,16,250 लेस करना। ओके 446 प्लस 393, अपने से वो प्रोविजन फॉर बैड डेट छूट गया था ना, ये वाला आइटम वो गड़बड़ हो गई। -56,000 माइनस 3,16,250 ये आ गया PGBP 466,750 प्लस हाउस प्रॉपर्टी कितना था भाई? हाउस प्रॉपर्टी कितना आया था? 24,500 प्लस IFOS कितना आया था? 14,000, 5,05,250 ये आ गया। अब दो चीजें अपन ने मिस आउट कर दी थी, एक तो एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसको कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते अगर ऐसा है तो। और वो बैड डेट वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, मतलब नहीं होना चाहिए था पर अभी हो गया। मैंने इसलिए तो बोलता हूँ कि 16 में से 16 लाना गड़बड़ है, और उतना ही गड़बड़ कर दी है ना तो दो फिगर बदली। एक वो बैड डेट छोड़ दिया उसका एक आधा पॉइंट, ये जो 466,750 वाला फिगर है उसका आधा मार्क, 1 मार्क, और ग्रॉस टोटल इनकम का 1 मार्क, 2 मार्क कट गए आपके सिर्फ एक आइटम छोड़ने की वजह से। और एडिशनल डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं कर सकते, ऊपर से भगवान भी आ गया ना, तो ये क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता ये बता ही नहीं सकता। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आप करोगे नहीं, जब आप पहली बार करोगे तो जो मेरा आंसर है वही आपका आएगा, 10,000 ज्यादा, ठीक है। और अगर गलती से ऐसा किसी को क्लिक होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना चाहिए और आप गलती से ले लेते हो, क्योंकि जो नई मशीन खरीदी 5,40,000 की, उसका 20% वो मोर देन 180 डेज है, तो पूरा 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। बट उसमें कंडीशन नीचे नोट लिखना पड़ेगा आपको इतने बड़े अक्षरों में कि भैया हमने अज्यूम करा है कि ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ठीक है। ये कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह देख के लग रहा है या लग सकता है। अभी अगेन वही हो गया यार कि अपने को मालूम है एडिशनल डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, इसलिए अपन खुद को कन्विंस करवा रहे हैं कि भैया देखो ना, रॉ मटेरियल है, कन्वर्जन कॉस्ट है, तो कैरिज इनवर्ड और आउटवर्ड है, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही रहेंगी। बट ऐसा जरूरी नहीं ना, रॉ मटेरियल लिया ट्रेडिंग कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, मतलब जैसे भी दोनों चीजें, बट अभी मैं अपने को दिखेंगे ना वो रॉ मटेरियल, अब जोर जोर के दिख रहा है, तो हो सकता है कि अगली बार अपन जब रॉ मटेरियल दिखे तो हम इस क्वेश्चन से ये सीखे कि रॉ मटेरियल है मतलब ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग कर रही होंगी और एडिशनल डेप्रिसिएशन ले ले आगे वाले क्वेश्चंस में, और नीचे नोट डाल दे। क्लियर है? ओके यहाँ मेरे हिसाब से ये जो टोटल कंपटीशन का बेहतरीन क्वेश्चन था ये हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। चलो भैया इसको जो लिखना है आपको लिख के रख दो, इससे बेहतरीन मतलब जो भर भर के था। और अगर ये क्वेश्चन में गलती से, मैं बता रहा हूँ तुमको, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन का पॉइंट रहता और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन का पॉइंट रहता, लेट्स से ओपनिंग स्टॉक बता दिया ओवर वैल्यूड है और क्लोजिंग स्टॉक बता दिया अंडर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यूएशन का भी ट्रीटमेंट, अंडर वैल्यूएशन का भी ट्रीटमेंट, दोनों का साथ में, ओपनिंग स्टॉक का भी ट्रीटमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का भी ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। भैया अगर वैसे रहता ना तो फाड़ के मजा आ जाती थी ये क्वेश्चन में। बट अगेन
किसी और क्वेश्चन में आएगा वो आगे, इस क्वेश्चन को इतना ही रहन देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो बच्चा इसको यूट्यूब पे देख रहा है, प्लीज मेक श्योर ये दो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इंटर फाइनल सबके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है।